Face to Face with Rashi. Shall we begin? Let's begin now. Hello and a very warm welcome on Face to Face with Rashi. Namaskar and welcome on the show. Well, on this lockdown exclusive interview, हम आपसे आज उनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं. Well, उनके बारे में हम इतना ही कहेंगे कि उनकी शख्सियत कुछ खास है, उनकी ज़ुबान में मिठास है. उनसे मिलते हैं तो लगता है ऐसा जैसे कोई बहुत अपना सा हो, और बात करें अगर हम उनके अभिनय की और उनके स्वयं के व्यक्तित्व और किरदार की, तो उनकी क्या मिसाल है. Yes, ladies and gentlemen, today we have on our show a very, very special guest, a great versatile actor, Mr. Sameer Rajda Ji. Aur isse pehle hum unka swagat karein show mein, we have seen him in Gujarati cinema, Hindi cinema, we have seen him in many television serials, and he is a face that absolutely needs no introduction. अभी हमने उन्हें दोबारा 33 साल बाद देखा रामानंद सागर जी की रामायण में, और फिर उत्तर रामायण में शत्रुघ्न जी का एक विलक्षण किरदार निभाते हुए. We have seen him in B.R. Chopra's Mahabharat as well. So let's welcome him. Let's welcome the multi-talented and versatile actor, Sameer Rajda. So hello, very warm welcome on Face to Face with Rashi. Sameer Rajda ji, you're welcome on the show. Thank you so very much, sir, and it's a pleasure, it's an honor to have you on a show, and feeling very nice. Aur aapne apna itna precious time humko diya, channel ko diya, fans ko diya, I'm really very much obliged and grateful to you. To sir, ek Gujarati film cinema ka ek bahut bada naam, aur abhi jaise ki humne aapko dobara dekha, is generation ne dekha, hum log to khair bade hue aapko dekhkar. We had seen Ramayan those days, and you know, ek pratibhashali kirdar aapne Shatrughna ji ka nibhaya, to aapko us kirdar ke liye pranam aur naman. Aur uske baad phir bahut sare projects hue, commercial films hui, lekin Shatrughna ji ka jo aapne kirdar kiya, usne audience par, logon par, bhakton par ek amit chhap, ek indelible impression, it left an indelible impression on people. Aapse mera yahi sawal hai ki itna bada career graph hote hue, ek wo kirdar aapke liye kaise itna ahem raha, kis wajah se itna khaas raha, aur how you were approached for this particular character. आपको कैसे ये भूमिका निभाने का मौका मिला? सबसे पहले थैंक यू सो मच राशि जी के आपने मुझे ये मौका दिया फेस टू फेस आने का, और आई एम रियली ऑनर्ड. तो बात करें कि शत्रुघ्न जी का कैरेक्टर मुझे कैसे मिला, तो ऐसा है कि उन दिनों हमारे पास मोबाइल नहीं रहा करते थे, तो लैंडलाइन से ही काम होता था. तो मेरे जो डैडी हैं जिन्होंने जनक का रोल किया था रामायण में, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, तू जाके ऑफिस में जा और डेट्स लेके आ. तो मैंने बोला ठीक है, मैं जाके लेके आता हूँ डेट्स. और इससे पहले मैंने इनकी मतलब सागर साहब की सीरियल की थी मैंने, विक्रम और रहता, तो मैं ये सब ग्रुप को जानता था, अच्छी तरह से जानता था. तो मैं सोचा चलो मैं भी जाके मिल लूँगा और आपकी डेट्स भी लेके आऊँगा. और वहाँ पे थे मिस्टर विजय काविश जी जो कास्टिंग भी संभालते थे, और रामायण में बहुत सारे किरदार किए हैं उन्होंने, शंकर जी का किया है, वाल्मीकि जी का किया है. तो वो उन दिनों कास्टिंग थे, डायरेक्टर थे, तो और विक्रम बेताल की कास्टिंग भी उन्होंने मेरी की थी. तो मैं सोचा चलो जाके उनको भी मिल के आता हूँ. तो डैडी की डेट्स लेने में चले गए, और जैसे ही गया तो मैं बोला कि विजय भाई मैं डैडी की डेट्स लेने आया हूँ. तो बोला कि अरे रुक 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 यार, शत्रुघ्न के कैरेक्टर के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं, तो तू जाके पापा जी से मिल ले. और मैं बोला ठीक है मैं मिल लेता हूँ. तो मैं वो लेके गए मुझे साथ में. और उन दिनों मैं क्या करता था, बहुत थिक मतलब मोटी मोटी ऊँचे रखता हूँ. तो मैं सोचा चलो जाके मिल लेता हूँ. वो मुझे लेके गए उनके ऑफिस में, और पापा जी से कहा कि ये
पापा जी ये देख लो इनको शत्रुघ्न जी के रोल के लिए। तो पापा जी मुझे देखा, बोला कि हाँ वैसे तो ठीक है, मुझे बोला कि लेकिन यार एक काम कर तू यार, ये तेरी ये जो मूछे हैं वो तू मुंडवा के आ सकता है, मुंडवा देगा। बोला हाँ सर मैं मुंडवा सकता हूँ, तो मैं अभी आता हूँ। तो मैं सोचा कि बाहर कहीं जाके सब रोकूँगा मुझे मुंडवा दूँगा। तो मुझे बोला कि नहीं नहीं आज मत आ, तू कल आ, लिटिल बिजी टुडे फाइन ओके। मैं चले गया और दूसरे दिन मैंने अपनी मुझे मुंडवा के मैं पहुंच गया फिर से उनके ऑफिस में। तो विजय भाई उधर थे, तो विजय भाई बोला अरे अच्छा हुआ तू आ गया, तेरी राह देख रहे हैं और तू जा अंदर मिल ले, कोई है नहीं और पापा जी बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं लेकिन तू जाके मिल ले। तो मैं सोचा चलो ठीक है, और मैं आता ही हूँ तेरे पीछे, तू जाके मिल ले। तो मैं चले गया अंदर। जैसे अंदर गया तो पापा जी ऐसे टेबल पे बैठे बैठे लिख रहे थे और चश्मे से ऐसे मुझे देखा, और मैंने बोला सर मैं आ सकता हूँ, हाँ प्लीज़ कम। और देखा फिर वो लिखने लगे, बोला हाँ कहिए, मतलब उनका ध्यान मेरी तरफ इतना था नहीं। बोला सर आपने जो शत्रुघ्न के रोल के लिए, तो मुझे बोला नहीं नहीं यार आप जाओ यार, हम लोग ने किसी और को ढूंढ लिया है तो आप जाओ। तो मैं तो निकल गया, बोला यार तो बाहर आया। तो बोला विजय भाई को, बोला विजय भाई वो तो पापा जी तो बोले कि वो किसी और को उन्होंने ढूंढ लिया है। तो बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, तेरा ही नाम है लिस्ट में, तेरे नाम के सामने शत्रुघ्न लिखा है, तो तुम्हारे घर का टेलीफोन नंबर लिखा है देख लो। बोला उन्होंने तो मुझे निकाल दिया, बोला जाओ हम लोग ने किसी और को ढूंढ लिया है। फिर से वो मुझे लेके गए और बोला चल 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 कुछ गड़बड़ है तू चल मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है यार तेरा ही नाम। फिर वो मुझे लेके गए फिर पापा जी के पास, हम लोग गए पंजाबी में बातचीत उनकी शुरू हो गई। तो विजय भाई ने बोला, विजय काविश जी ने बोला कि पापा जी यही समीर है, सागर साहब को बोला कि यही समीर है आपने पहचाना नहीं। बोला मेरे सामने देख रहे, अरे यार तू इतनी बड़ी बड़ी मूछे लगा के रखी हुई है तूने और आज एकदम निकाल के आया तो मतलब सडनली ये इतना चेंज लगता है, तू मूछे रखता क्यों है, अभी कितना अच्छा लग रहा है, कितना छोटा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, मेरा शत्रुघ्न तू ही है। तो फिर मैं भी हंस पड़ा, पापा जी भी हंस पड़े और विजय जी भी हंस पड़े। तो इस तरह से मुझे वो रोल मिला। Wonderful sir. So we all are reflections of our parents, and of course jab aapse koi milta hai toh, you know, one sees that calmness, that listening ear, that patience wo thehrav Sanjeet ki. And this reminds us of your daddy papa. We are talking about the great veteran actor, legend, great writer, director, actor, whether we talk of Hindi cinema, Gujarati cinema or television shows. Yes, we are talking about Shri Moolraj Rajda ji. And hum sab unko bahut acche se jante hain, Raja Janak ji ki unhone Ramanand Sagar ji ke mega epic serial Ramayan mein ek bahut hi pratibhashali saumya bhumika nibhai. And phir aapki mummy ki baat karein, to your mother श्रीमती इंदुमती राजदा जी, वेटरन एक्ट्रेस, राइट? तो घर में आपको वो एम्बियंस मिला, वो माहौल मिला, तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट यू कैरी एक्टिंग स्किल्स इन दिस लेगेसी इन योर ब्लड, दैट्स वेरी ट्रू, या बट यू नो जब एक बच्चे को ये माहौल मिलता है, वो बड़ा हो रहा होता है, सो ही स्टार्ट्स लविंग ऑल दिस, राइट? कि आपके साथ भी वैसा ही हुआ, लेकिन मोर और लेस वो फन के लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए, इज़ वेरी हैप्पी टू सी इज डैडी, इज़ वेरी हैप्पी टू सी इज मॉम, राइट? बट देन अ पॉइंट कम्स जब हमें पेरेंट्स का भी गाइडेंस मिलता है कि बेटा दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू इन लाइफ, या फिर हम कुछ और करना चाह रहे होते हैं. सो वेन दैट टाइम केम, वेन यू रियलाइज दैट येस दिस वुड बी माई प्रोफेशन, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर फॉर आर यंग जनरेशन हु इज़ वॉचिंग अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. रीज़न बींग बिकॉज दे फेस लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग चॉइसेस. तो आपके लिए ये कैसी जर्नी रही? जी राशि जी आपने सही कहा, हर बच्चे को मतलब अपने माँ बाप में, माँ बाप जो करते हैं वो उनकी ख्वाहिश रहती है, और हर माँ बाप की भी यही ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या यू नो पायलट बने. तो मैं 3 साल का था और मेरे मम्मी डैडी प्ले के रियल्स में जाते थे, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी जाऊं. तो एक बार कुछ एक नया प्ले की ये लोग
बातचीत कर रहे थे, नए प्ले के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो फिर उनकी रिहर्सल्स मुहूर्त मुहूर्त वगैरह हुआ, मैं गया चले गया। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं चलो मैं भी जाऊँ उनके रिहर्सल्स देखूँ, तो मैं चले गया। और उन दिनों कुछ मेरी उम्र थी 3 साल, तो मैं चले गया था डैडी के साथ में। तो और वो प्ले का नाम था आंधी, तो उसमें एक चाइल्ड एक्टर की ज़रूरत थी, चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी, तो और मेरी एज की ज़रूरत थी, तकरीबन मेरी एज के जितने लड़के की ज़रूरत थी। तो मैं पहुंच गया और मुहूर्त मुहूर्त किया, सब लोग एक दूसरे को विश करने लगे। फिर जो प्रोड्यूसर साहब थे हमारे, वो प्ले के, मुझे देखा और बोल रहे, डैडी को बोल रहे कि यार ये तेरा लड़का ये रोल के लिए फिट है, क्या ये करेगा? तो डैडी बोले आप ही पूछ लो, शायद आपकी बात मान जाए, करेगा। तो मुझे पूछा अंकल ने कि तू करेगा रोल? तो मैं बोला नहीं यार, मैं नहीं करूँगा। तो बोला कि क्यों नहीं करेगा? बोला आप लोग जो करते हैं एक्टिंग वैक्टिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो मिलता है ना? बोला हाँ डेफिनेटली मिलता है। तो बोला तो ठीक है, मैं एक ही शर्त पर करूँगा। बोला क्या क्या शर्त हो सकती है? डैडी बोले क्या शर्त हो रहा है? बोला कि मुझे कॉमिक्स का बड़ा शौक था, मैं आई वॉज डाई हार्ट फैन ऑफ कॉमिक्स। तो मैंने सिर्फ उनको इतना बोला कि मुझे, हम जब भी हम लोग रिहर्सल्स पे आए, तो मुझे एवरी डे आपको मुझे 5-6 कॉमिक्स दिलवानी पड़ी। तो सब लोग हंसने लगे, बस कॉमिक्स ही चाहिए, हाँ मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद। तो बोला अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे कॉमिक्स दिलवाऊँगा एवरी डे। बोला ठीक है। तो फिर और वो तभी मेरी उम्र 3 साल की थी, और थ्रू आउट रोल था उसमें मेरा। और उसके बाद वो प्ले हिट हो गया आंधी, और मेरे रोल के बारे में भी लोग काफ़ी तारीफ करने लगे कि अच्छा कर रहा है, और मेरे डैडी मम्मी को भी बधाई देने लगे कि यार तेरा बेटा अच्छा रोल कर रहा है, वेरी इनोसेंट है, बहुत अच्छी तरह से उसने प्ले किया है इस रोल में अपना। तो मुझे तभी से ऐसा फील हुआ यार कि एक्टिंग करने से अगर कॉमिक्स मिल सकती है तो वाई नॉट। मुझे भी ऐसा लगा कि धीरे 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 मेरे में भी वो शौक पैदा हो। और डैडी भी बोले कि देख तूने कितना अच्छा काम किया, टीवी एक्टिंग, सब लोग एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। मम्मी भी बहुत खुश हुई, डैडी भी बहुत खुश हुए, और वो मैं भी खुश हुआ कि हाँ मुझे तो जो मुझे चाहिए था वो लोग तो दिलवा रहे हैं। और फिर बस उस हिसाब से मेरी जर्नी वहीं से शुरू हो गई। मुझे लगा कि नहीं यार एक्टर बनना चाहिए, ये ईजी है थोड़ा मेरे लिए, ऐसा लगा कि क्योंकि डैडी मम्मी थे इसलिए मैं तुरंत वो रोल में फिट हो गया। मुझे लगा कि यार इतनी एक्टिंग करने की अगर ये 3 घंटा एक्टिंग करने की अगर मुझे कॉमिक्स मिल सकती है तो व्हाई नॉट। तभी से मुझे फिर धीरे 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 ऑफकोर्स मैं जब मैच्योर होने लगा तो मेरे काम को लेकर थोड़ा सीरियस होने लगा। आई वॉज यू नो हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट था मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंट। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये अभी इसको ही करियर के हिसाब से लेना चाहिए। Absolutely great sir. सर हम जानना चाहेंगे आपकी स्कूलिंग के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, एंड what kind of child you were, what kind of a student you were, आप कैसे पार्टिसिपेट करते थे अपने स्कूल के स्किट्स में, ड्रामास में, आपने कभी गाना भी गाया है कि नहीं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी यादें जो आपके उस बचपन से जुड़ी हो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे, आपके फैंस जानना चाहेंगे। राशि जी जब स्कूल की बात करें तो स्कूल के दिनों में मैं काफ़ी शाय था, अभी भी हूँ लेकिन तभी ज़्यादा था। और क्या थी कि स्कूल में फंक्शंस हुआ करते थे, फिर एक बार पता नहीं क्यों मुझे एक्चुअली चार्ली चैपलिन जी बहुत पसंद थे, मैं उनका फ़ैन था और उनकी हर मूवीज़ में देखता था और मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने एक बार ऐसे ही यार दोस्तों में मैंने ऐसे ही वो चार्ली चैपलिन की वो मिमिक्री कर दी मैंने, तो सब लोग बड़े खुश हो गए। और कुछ स्कूल्स के फंक्शन आ रहे थे तो मुझे बोला यार तू एक काम कर यार, तेरी स्किट रखते हैं चार्ली चैपलिन की। बोला नहीं यार मैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा। बोला नहीं नहीं, सब लोग ने मुझे फोर्स किया, मेरे दोस्तों ने फोर्स किया। बोला नहीं करना ही पड़ेगा, तू इतनी अच्छी कर रहा है, स्कूल्स को अपनी स्कूल के लिए कुछ तो कर, तू स्कूल के लिए कुछ नहीं करेगा। सोचा हाँ चलो कर लेते हैं।
फिर उन्होंने बहुत फोर्स किया और मैंने वो चार्ली चैपलिन की वो मिमिक्री की ऑन स्टेज और लोगों को इतनी पसंद आई और मुझे खुद को ऐसा लगा कि मुझे खुद को इतना अच्छा लगा वो परफॉर्म करते हुए, लोग मतलब हंस रहे हैं, मतलब सीटियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, इतना मतलब लोगों ने मुझे पसंद किया। तो उनके बस मैं हमने फर्स्ट और लास्ट वो स्किट स्कूल में की। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं एक्चुअली मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है लेकिन मैंने वो सीरियसली कभी सोचा नहीं और मैं गा नहीं सकता हूँ, बट यस आई लव म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक बड़ा पसंद है। और जब मैं छोटा था तो अभी भी, मतलब छोटा तो अभी भी हूँ दिल से, छोटा था तो स्टिल आई एम वेरी मिस्चीवियस, फन लविंग और प्रैंक्स, नॉटी बोल सकते हैं। अभी भी मेरे मतलब मेरा जो सर्कल है, मेरे पुराने सब दोस्त है जो थे हैं और मतलब अभी भी हम लोग मतलब बहुत बार हम लोग इकट्ठा होते हैं एक दूसरे को, मतलब यू नो मुझे उनकी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, उनको मेरी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं मतलब उनके सामने मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि या मैं कुछ सेलिब्रिटी हूँ या मैं इतना नाम, मैंने ये रामायण के थ्रू महाभारत के थ्रू मैंने इतना नाम कमाया है। मैं उनके लिए बस मैं समीर हूँ और वो मेरे दोस्त हैं, दैट्स इट। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो वो भी जब हम मिलते हैं, हम लोग वीक में 2-3 बार मिलते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग हमारे बीच में काम को नहीं लाते बिकॉज वी आर सो मच यू नो, वो भी इतना मस्ती करता है मेरे साथ, मैं भी मस्ती करता हूँ, हमारा पूरा सर्कल ही ऐसा है, वेरी मिस्चीवियस, नॉटी, प्रैंक ज़्यादा करते हैं। रामायण में भी हम लोग शूटिंग के दौरान बहुत प्रैंक करते थे, तो बेसिकली मैं अभी भी बहुत ही मस्तियाँ करता हूँ। Okay, that was really wonderful to know, sir. So now this question, it's called FMM, right? F for food, M for music, and M for mantra. So your favorite food, your favorite music. Of course, I would like to know what kind of music aap kaisa music sunna pasand karte hain, kaun sa gana aapko bahut pasand hai, and of course your mantra of life. So this question is in one go, FMM, food, music, mantra. FMM. तो राशि जी, आपने ये सवाल मुझे पूछा तो F stands for food. फूड का ऐसा है कि आई एम अ फूडी, मुझे हर तरह के फूड पसंद है, मुझे बहुत खाना पसंद है, आई ईट एवरीथिंग, पंजाबी हो, मुगलाई हो, चाइनीज हो, साउथ इंडियन हो, मराठी हो, तो आई एम अ फूडी, तो मुझे हर तरह के फूड पसंद है, आई लव ईटिंग। एम stands for म्यूजिक, तो म्यूज़िक के बारे में मैं इतना कहूँगा कि मैं किशोर कुमार साहब का और मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे उनके सारे गाने बहुत पसंद है, तो मैं एक गाने के लिए ऐसा पिनपॉइंट नहीं कर सकता कि मुझे हाँ ये गाना ज़्यादा पसंद है या वो गाना ज़्यादा पसंद है, मैं उनको मतलब बहुत ही पसंद है, उनको हमेशा सुनते रहता हूँ। एंड थर्ड वन इज़ मंत्र, तो मंत्र ऐसा है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यू ओनली लिव वंस, तो हंस के जियो, खुल के जियो और सबसे प्यार से गले मिलो, दैट्स इट। Oh, it was really interesting. So, you're a bunch of talents, of course, a lot of qualities in you that you love about yourself and we love about you. But वो एक चीज़, that one quality, वो एक गुण, वो एक virtue, you know, that you really love about yourself, you're very confident about it, it gives you a lot of confidence. And अगर हम आपसे कहें कि समीर राजडा को डिफाइन करें एक सेंटेंस में, तो आप कैसे करें? राशि जी, आपने कहा डिफाइन समीर राजडा, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल, फनी, डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर एंड कॉन्फिडेंट। सर, हम आपसे बात करें और गुजराती में डायलॉग हम ना सुने और हिंदी में एक आपका फेवरेट डायलॉग ना सुने तो कैसे हो सकता है? तो वी योर फैंस, योर ऑडियंस, योर लिसनर्स, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट वन डायलॉग इन गुजराती, और गुजराती वाले का आप हिंदी में भी बता दीजिएगा जो सब लोग समझ जाएंगे, एंड वन योर फेवरेट डायलॉग इन हिंदी।
अच्छा, मैं राशि जी, मैं आपको एक गुजराती डायलॉग भी सुनाऊंगा और एक हिंदी डायलॉग भी सुनाऊंगा, लेकिन गुजराती डायलॉग में अपने एक प्ले का सुनाऊंगा, उसका नाम था वर्थी कहो हमें नमूना चाहिए, गर्व से कहो हम सब नमूने हैं। और एक हिंदी डायलॉग सुनाऊंगा रामायण का, शत्रुघ्न जी का। तो गुजराती प्ले में ऐसा होता है कि चार दोस्तों की कहानी है, तो उसमें जो ये कैरेक्टर है उसकी वाइफ गुजर गई है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं कि उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। तो सब लोग को ऐसा लगता है कि यार इसके दिमाग से ये चीज़ हटानी पड़ेगी वरना ये पागल हो जाएगा। तो सब लोग बहुत कोशिश करते हैं, बोले तेरी वाइफ इधर है, तेरी वाइफ उधर है, ये मेरे साथ बात करे, हमारे साथ बात करे। फिर इसको पता चलता है कि ये लोग उसको इसमें से निकालने की कोशिश कर, फिर वो कंटाल के बोलता है कि नहीं, मेरी वाइफ इधर नहीं है, वो तो चली गई। तब मैं डायलॉग सुना, हाँ रेखा क्या ही नहीं, कारण के रेखा हवे आ दुनिया माज नहीं, हर हर महादेव, बम बम बोले, जय केदारनाथ ना होता हवा जो, हे भक्त भोलानाथ ना दर्शन करवा जता भक्तो ना नोता आवी रिया, पर नदी ना पूर थी जान बचावा भागा दौड़ी करता यात्रा नु ना आवी रिया। मैं रेखा ने कहू के रेखा जल्दी मारो हाथ पकड़ी ले, तो एने मने कहू के ना तमे मारो हाथ पकड़ो, तो मैं कहू के एमा शू फरक छे, तो मने के हूँ तमारो हाथ पकड़ीश ने कोई तकलीफ आवशे ने तो मारा थी तमारो हाथ छूटी जशे, पर मने पूरो विश्वास छे के तमे मारो हाथ पकड़शो ने तो गम्मे एटली मोटी तकलीफ आवे तमे तो मारो हाथ क्यारे नहीं छोड़ो। रेखा ना ए विश्वास नी ऊंचाई ने हूँ आंबीज न शक्यो, बहु कोशिश करी पर नदी ना ए वहन नु जोर कदाच कदाच मारी हथेड़ी ने अंफावी गयु। मारी रेखा क्यारे क्या वही गई एनो कोई ख्याल ज न रहो, कोई ख्याल ज न रहो। तो ये था गुजराती का डायलॉग, और अभी मैं आपको एक रामायण का डायलॉग सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर रामायण का, जहाँ पे वो शत्रुघ्न लवणासुर से युद्ध करने जाता है और अपने भाई से परमिशन लेने जाता है, उसकी उनकी आज्ञा लेने लेकर जाता है कि नहीं मैं जाऊँगा उनसे युद्ध करूँ, तो मैं फिर जाता हूँ उनसे युद्ध करने के लिए। लेकिन लवणासुर को एक वरदान होता है शिवजी का वरदान होता है कि अगर उनके पास उनका त्रिशूल है तो उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। तो मुझे वो बात पता चलती है, तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं जाऊँगा उनसे युद्ध करने। तो जैसे जाता हूँ और लवणासुर जैसे बाहर आता है तो मैं सीधा बोलता हूँ, लवणासुर मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूँ, यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। तो बोलते हैं कि लवणासुर किसी राह चलते के साथ में युद्ध नहीं करता, पहले अपना परिचय दो। तो मैं कहता हूं कि मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ठीक है, मैंने तुम्हारी ललकार सुन ली, लेकिन मुझे मेरे पूजा का समय हो गया, तो मुझे जाने दो पूजा करने दो। तो मुझे पता चलता है कि ये पूजा का बहाना ढूंढकर वो जाएंगे और वो त्रिशूल लेकर आएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है, मरने से पहले अपने भगवान को याद करना चाहते हो तो कर लो, हम तुम्हारी यही प्रतीक्षा करेंगे। युद्ध छोड़कर भागने वाले को वीर नहीं कायर कहते हैं। तो ठीक है, मैं युद्ध करता हूं। शत्रुघ्न बोलता है मैं तुम्हें पहला वार करने की छूट देता हूं, अपने अस्त्र संभालो। So we would love to know about your future projects. What are the plans once this lockdown is over? Like hum kaun si films, kaun si shows aapke dekhenge aage? So we would like to know about your plans, your future projects, both in Bollywood, television, whatever it is. Future projects to hain bahut saare, lekin lockdown ke wajah se sab abhi band pade hue hain, atak ke pade hue hain. तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आप मुझे क्राइम पेट्रोल में देखेंगे, क्राइम अलर्ट में देखेंगे, लाल इश्क में देखेंगे, फिर वेब सीरीज है, दो तीन वेब सीरीज है, वो भी सब बंद पड़ी हुई है, वो भी ऑलरेडी दो वेब सीरीज की तो शूटिंग हो चुकी है और दो तीन की बात चल रही है और वो सब फाइनलाइज था। और फिर दो गुजराती मूवीज है जो मैं करने जा रहा हूँ,
और ऑफकोर्स सीरियल्स भी हैं, तो बस ये होपफुली ये जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो और सब नॉर्मल हो जाए तो सबके लिए अच्छा है और सबको अपने अपने काम में सब फिर से दोबारा बिजी हो जाएंगे। So working in films, becoming an actor or a writer or a singer or a musician, you know, just getting into this film industry, it's a dream for many. बहुत सारे हमारे prospective professionals हैं, young बच्चे हैं जो अपना career इस field में, इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं. As an actor, कौन सी ऐसी qualities हैं जिसे उन्हें polish करना चाहिए, you know, and ऑफ़ कोर्स इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं, ऑफ़ कोर्स ये इंडस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग है एंड यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी है, तो सर वी वुड लाइक यू कि आप थोड़ा सा गाइडेंस इन प्रोस्पेक्टिव प्रोफेशनल्स को भी दें जो आगे चल के इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और इसे बतौर प्रोफेशन लेना चाहते हैं। जी राशि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये इंडस्ट्री में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा उभरते हुए कलाकारों को कि डोंट लूज होप, हार्ड वर्क करो, स्टे फोकस, अपने आप में कॉन्फिडेंट पैदा करो तो एवरीथिंग विल बी फाइन। और हाँ, इसमें हार्ड वर्क भी है, स्ट्रगल भी बहुत है, कॉम्पिटिशन भी बहुत है, तो प्लीज़ 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 स्टे फोकस, hard work will definitely pay. Thank you so very much sir, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। प्रणाम शत्रुघ्न जी एंड समीर राजदा जी, वन मोर टाइम हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर फैंस, लिसनर्स, ऑडियंस। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस एंड वैल्युएबल टाइम टू मी, माई चैनल एंड दिस शो। वी विश यू ऑल द ग्रेट लक विद लॉट्स ऑफ लव एंड वार्मेस्ट रिगार्ड्स फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। सर, आपका मैसेज फॉर योर फैंस। थैंक यू राशि जी, मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और मेरे फैंस के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज 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 कीप वॉचिंग मी, कीप लविंग मी, आप लोग हैं तो हम हैं। और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन राशि जी कि आपने मुझे फेस टू फेस आने का मौका दिया। एंड यू टू बी सेफ, गुड लक टू यू राशि जी फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू, लव यू ऑल। एंड डियर फैंस एंड लिसनर्स, यू वर लिसनिंग टू द ग्रेट वर्सटाइल एंड वेटरन एक्टर शत्रुघ्न जी ऑफ रामानंद सागर्स रामायण, श्री समीर राजदा जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।